तो वेलकम है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। आज मैं कुछ स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ सूजी की, जिसके लिए ऑलरेडी मैं सूजी ले लिया है मैंने। अब उसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, उसके बाद मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप शिमला मिर्च भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास शिमला मिर्च था नहीं तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और दही, जितना सूजी लिया है उससे थोड़ा सा उससे कम दही लेना है। मेरे यहाँ दही सबको ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ी ही दही ले रही हूँ। तो इसको अब इसमें डाल लेना है पानी, जितना दही लिया उतना ही पानी डालना है। तो अब मैं इसमें डालूँगी उतना पानी और अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर पानी की ज़रूरत लगता है कि और पड़ेगी, जैसे इडली वगैरह का हम बैटर तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें इसका भी तैयार करना है। अगर पानी की ज़रूरत हमें और लगेगी तो हम इसमें और पानी भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाला है मैंने नमक, और ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हम तैयार कर लेते हैं इसका मसाला, तो मैंने आलू बॉईल होने को रख दिया है। और अब मुझे जिसमें सूजी को बेक करना है, अब मैं उसमें अच्छे से रिफाइंड या घी कुछ भी लगा सकते हैं आप। मतलब मेरे पास चाकू, मतलब चार कोने का बर्तन नहीं था इसलिए मैंने गोल बर्तन यूज़ किया है। अगर आपके पास चार कोने का हो तो आप वही यूज़ कीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा, और मीठे सोडे को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब मैं इसमें अच्छे से मैंने रिफाइंड लगा लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी सूजी। इस बर्तन में डालने के बाद हमें चलाना नहीं है। इसके बाद मैं इसे ठोक के अच्छे से सेट करूँगी, और ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं पानी गर्म करने को पहले ही रख दिया था, तो अब मैं इसमें इसको भाप लगाऊंगी कम से कम 15 मिनट तक। अब मैं इसे ढक के रखूँगी जब तक मेरा सूजी वाला बैटर तैयार हो रहा है, तब तक मैं इसमें आलू वगैरह मैं छील लेती हूँ, क्योंकि मुझे आलू को भी अभी थोड़ा सा इसमें कुछ इसका भी मसाला, जैसे समोसे वगैरह का तैयार करते हैं या कुछ इस टाइप से हमें इसको तैयार करना है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी छील लेती हूँ। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और मैं इसमें ऑलरेडी मिर्च और लहसुन वगैरह डाल दिया था। और 15 मिनट बाद मैं देख रही हूँ इसमें एक नाइफ डाल के ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हमें इसको मतलब ढक देना है और गैस बंद कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा नमक, और अब हम इसमें डालेंगे अपने आलू और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो मैंने ये निकाली है, थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको साइड नाइफ की हेल्प से मैं इसे साइड से इसको निकाल रही हूँ, और अब पता नहीं ठीक निकलेगा कि क्या, ये सोचा था मैंने, लेकिन फाइनली मेरा बिल्कुल ठीक ठाक निकल चुका है। यानी कि मेरी हर एक चीज़ ठीक थी तो इस वजह से ठीक ठाक हो गया है, और ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो अब गर्म बहुत है तो मैं इसको भी ठंडा करने के लिए मैंने आलू को भी रख दिया है, और ये भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसको कट करूँगी बीच से। अगर ये चार कोने का मतलब होता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन मेरे पास उस शेप में कोई बर्तन नहीं था तो इसीलिए मैंने इसको राउंड शेप में ही कर दिया।
वैसे आप लोग कमेंट में बताइएगा इस डिश को क्या कहते हैं, देखती हूँ कौन बता पाता है इस डिश का नाम। तो मैंने इसे अलग कर दिया है, अब मैं इसके पीसेस कट करूँगी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए था, इससे मुझे थोड़ा सा और ठंडा हो देना चाहिए था, जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्टली कटता। तो मुझसे हल्का सा, जैसे ये देखिए कितना अच्छे से परफेक्ट कट रहा है ये, क्योंकि बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। वो नीचे का पोर्शन था इसलिए इतना गर्म गर्म था। हल्का सा मेरा ना बीच में थोड़ा सा बेक नहीं हुआ है, पर मैंने सोचा इसको मैं सेकूंगी तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसमें अब तैयार कर रख लिया है आलू इसके ऊपर अच्छे से, और अब मैं एक इसका स्लाइस और रख दूंगी। दो स्लाइस ऐसे तैयार हो गए, इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तो मेरे इतने तैयार हो चुके हैं। तवा रख दिया मैंने गर्म होने को, उस पर डाल दिया मैंने तेल, मतलब रिफाइंड डाला है मैंने उस पर। और अब मैं वन बाय वन इसको मैं इसी पे सेकूँगी, इसे थोड़ा कम भी ऑयली होगा और ठीक रहेगा। तो मैं इसे अच्छे से अब इसी पे सेकूँगी। याद रखिएगा, भूलेगा नहीं कमेंट में इस डिश का नेम बताने के लिए। तो अब ये ब्राउन हो चुका है, तो अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है। तो हम इसे इस तरीके से, जब तक ये रेड रेड नहीं हो जाता तब तक इसे करेंगे भूजेंगे। और अब ये खाने के लिए तैयार है। आई होप आपको मेरी डिश पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।